हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस सेट 6, जिसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, जो विगत वर्षों के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन का एक सेट है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था। डोमिंगो पायस और बारबोसा थे पुर्तगाली यात्री जो कृष्णदेवराय के दरबार में आए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमालेद्य की रचना किसने की थी? तो कृष्णदेव राय ने की थी, जो कि तेलुगु में लिखा गया था। और कृष्णदेव राय ने जो है संस्कृत में भी एक रचना की थी जिसका नाम है जम्बावती कल्याणम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो हैं हम्पी में मिले हैं। हम्पी मध्य कर्नाटक के पूर्वी हिस्से में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी के खंडहर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर प्रथम और उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। 1565 ईस्वी में तालिकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है राजस्थान अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के उपदेशों का संग्रह है। तो कबीर के उपदेशों का संग्रह जो है बीजक है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय है। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय जो है रामानंद को है। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा जो है भक्ति आंदोलन चलाया था, जो कि इसका उद्देश्य जो था हिंदू धर्म और समाज में जो है हिंदू धर्म के समाज में सुधार करना था। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। तो संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता जो हैं चैतन्य महाप्रभु जी हैं। चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं वैष्णव धर्म के प्रचारक और भक्ति काल के साथ ही महान संत और एक प्रमुख कवि थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नामदेव कहाँ के संत थे? नामदेव महाराष्ट्र के संत थे। अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं शंकराचार्य जी थे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो है 15 अप्रैल 1469 में गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। और गुरु नानक जो हैं सिख के जो हैं पहले गुरु थे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज ई बाबरी किस भाषा में लिखी? तो बाबर ने जो है आत्मकथा तुज ई बाबरी तुर्की में लिखी थी। निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खान से जो है निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? तो कन्नौज के युद्ध में जो है पराजित हुआ था। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबंदन बेगम ने की थी। शेरशाह का मकबरा अवस्थित है। तो शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ पर है? सासाराम में है। अकबरनामा की रचना की? तो अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो है प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? तो न्याय की घंटी जो है जहांगीर द्वारा लगाया गया था। जहांगीर द्वारा बेल ऑफ जस्टिस, जिसको जो है न्याय की घंटी कहा जाता है, जहांगीर द्वारा स्थापित किया गया था। निम्न में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो चित्रकला का विकास जो है जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू
मनसबदार किसके समय में थे? तो औरंगजेब के समय में थे, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? तो दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां द्वारा बनाया गया था। लाल किले का निर्माण जो है 1638 से 1648 के बीच 10 सालों में पूरा हुआ था लाल किला। और जो है लाल किला अपनी विशाल दीवारों के कारण जो है प्रसिद्ध है। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? ताजमहल जो है मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। ताजमहल का निर्माण जो है 1632 ईस्वी से शुरू हुआ और 1648 ईस्वी में पूरा हुआ। ताजमहल का पूरा नाम जो है दीवानी ई खास ई खुसरो है, जिसको ताजमहल कहा जाता है। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था। तो जहांगीर के दरबार में आने वाला जो है पहला अंग्रेजी व्यापारी कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को कहा जाता था रंगीला। किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो शिवाजी को दी गई थी अष्ट प्रधान की संज्ञा। शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक कहाँ कराया? तो शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक जो है रायगढ़ में करवाया था। निम्न में से किसे जाट का प्लेटो यानी कि अफलातून कहा गया है? सूरज मल को कहा गया है अफलातून। गुरुमुखी लिपि के जनक थे। तो गुरुमुखी लिपि के जनक जो हैं गुरु अंगद जी थे। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक है? तो खालसा सेना की स्थापना और पाहुल पर्व का प्रवर्तक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो टीपू सुल्तान ने जो है स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। भारत में मनसबदारी का प्रथा किसने शुरू की? तो भारत में मनसबदारी प्रथा जो है अकबर ने शुरू की। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? पुर्तगाली था जो कि यूरोपीय व्यापारी था जो भारत में सर्वप्रथम आया था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी था। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी जो है वास्को डी गामा थे। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को जो है गोवा कब छीना? तो पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जो है कब छीना था? 1510 ईस्वी में छीना था। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया वो कौन था? सर टॉमस रो थे। जो जेम्स प्रथम का राजदूत था और जो जहांगीर के दरबार में आया था। कलकत्ता नगर की नींव किसने डाली? कोलकाता नगर की नींव जो है जॉब चार्नक ने डाली थी। कलकत्ता की स्थापना जो है 1690 में हुई थी, जिसकी स्थापना का श्रेय जो है ईस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट थे जॉब चार्नक उनको जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में की गई। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई जो है सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुई थी। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो मसाले के व्यापार में जो है अधिक थी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी? तो बंगाल में द्वैत शासन की नींव जो है रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बंगाल से द्वैत शासन को किसने समाप्त किया? तो बंगाल से द्वैत शासन को जो है वॉरेन हॉस्टिंग्स ने
समाप्त किया था। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई कब हुई? तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1774 में हुई थी। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय की स्थापना जो है स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा जो है 1774 में की गई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सहायक संधि किसने लागू की थी। तो सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई थी। सहायक संधि को 1798 से 1805 तक जो है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली द्वारा बनाया गया था। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था, तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य जो है हैदराबाद था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है ब्रिटिश शासित भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और उनके साथ जो है राजा राम मोहन राय ने जो है 4 दिसंबर 1829 में सती प्रथा को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय जो है चार्ल्स मेटकॉफ को है। किस गवर्नर जनरल ने वेबगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। वेबगत का सिद्धांत जो है राज्यों के अधिग्रहण की नीति थी जिसका जो है लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक रूप से पालन किया था। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट जो है भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।